माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर जी। शुक्रिया महोदया। मैडम, मैं इस सदन के और WCD मिनिस्ट्री के ध्यान में लाना चाहूँगी, जो बहुत बड़ी एक करप्शन हो रही है पंजाब के ICDS प्रोग्राम में, जहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो आंगनवाड़ियों में दिया जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को और 0-6 ईयर्स के बच्चों को, ये 150 करोड़ का बजट जो सेंटर में दिया फेक बेनिफिशरीज दिखा के, उसको 300 करोड़ का बजट करके जो खाना है वो ICDS रूल्स के हिसाब से प्राइवेट आधारों को नहीं दिया जा सकता। और ये स्टेट ओन्ड बॉडीज मिल्क मार्कफेड और वेरका बनाते थे, लेकिन सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ा के प्राइवेट आधारों को ये 300 करोड़ का जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है उनको दे दिया गया, जहाँ सब स्टैंडर्ड खाना और बच्चों के और मदर्स के साथ उनकी ज़िंदगी के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है। वो टोटल फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स हो रहा है। इसके बारे में मैंने मंत्री जी को लिख के भी दिया है। आज मैं डिमांड करती हूँ कि एक CBI की इंक्वायरी किया जाए। ये नहीं कि जैसे केंद्र पैसे रोक दे, क्योंकि गरीब बच्चियों और मावों का क्या इसमें दोष है जो सरकार घपला कर रही है। और आपको हैरानी होगी कि 28 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो महज 4500 रुपये महीने में काम करती हूँ, उनके हेल्पर्स को 2200 रुपये महीना मिलता है, जो मिनिमम वेजेस से भी कम है। इनको रेगुलराइज जहां सरकार को करना चाहिए वो तो क्या किया, लेकिन उनके जो ऑल इंडिया आंगनवाड़ी की जो प्रधान है, जब ये गंदे खराब खाने के पॉइजनस खाने के ऊपर जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो उनको डिसमिस कर दिया। जो सरकारी अफसर है CDPO उसको सस्पेंड कर दिया है, और शरेआम लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। और ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो रूल्स के अगेंस्ट खास लोगों को दिया जा रहा है किकबैक्स करने के लिए, करप्शन करने के लिए, मैं डिमांड करती हूँ कि इसकी CBI इंक्वायरी करके सरकार और मंत्रियों को उनको पीनलाइज किया जाए, ना कि लोगों का खाना और उनका जो स्कीम का जो पैसा है वो ना रोक दिया जाए, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन में भी किया है, RDF में भी किया है, शिक्षा में भी किया है कि लोग सफर करें पंजाब के, क्योंकि सरकार घपले कर रही है। ये घपलों की सरकार है, आम आदमी सरकार, सारा देश जानता है।